वेलकम टू पी एच ऑन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को, ठीक है। प्रीपोजिशन फ्रेसल वर्ब, जिससे जिसमें हम पहले मैन वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, फिर फ्रेसल वर्ब आएगा, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे कि वीडियो ठीक से समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, बहुत ही वीडियो इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, यूज उसमें करते हैं एक्ट फॉर, ठीक है। एक्ट फॉर कब यूज करते हैं? एक्ट फॉर हमें तब यूज करना है किसी के स्थान पर कार्य करना, जब किसी के स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे मान लो हम कोई टीचर है, तो कभी टीचर छुट्टी पे चला गया, तो उस टीचर की जगह कोई दूसरा टीचर आ जाता है, तो हम कहते हैं ना कि उनका नाम लेकर के उनकी जगह आज मुझे काम करना पड़ा, है ना। तो किसी के स्थान पे काम करना, किसी दूसरे का काम अपन को करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक्ट फॉर का यूज करते हैं। तो किस प्रकार से यूज करेंगे, चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैं कहूँ कि हमने आज मम्मी की जगह पर कार्य किया, ठीक है। मम्मी की जगह पर कार्य किया, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक्ट फॉर लगा करके। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे हमने की वी एक्ट फॉर, एक्ट आया ना अपना, तो वी एक्ट फॉर मम्मी की जगह किया है, तो मम्मी और आज के लिए टुडे, ठीक है, टुडे। कितना सिंपल है, हिंदी कितनी बड़ी है और इसकी मीनिंग कितनी छोटी है। हमने आज मम्मी की जगह पर कार्य किया, वी एक्ट फॉर मम्मी टुडे, ठीक है। इस प्रकार से हम ना, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बनाएंगे। अभी एक्ट फॉर का बनाया था किसी की जगह पर काम करना, अब दूसरा एग्जांपल्स बनाएंगे हम ब्रिंग अप का, ठीक है। ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप को हिंदी में किस प्रकार से यूज करेंगे, पालन पोषण करने के लिए, ठीक है। जब किसी चीज का पालन पोषण कोई करता है, तो उसके लिए हम ब्रिंग अप का यूज करते हैं। जैसे कि माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया, ठीक है। तो इसको हम ब्रिंग अप ऐड करके किस प्रकार से बनाएंगे, माँ यशोदा यशोदा, ब्रिंग अप लग जाएगा इसमें, ब्रिंग अप श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण। कितना छोटा है ना, जैसे माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया, तो पालन पोषण की तो हो गई अपनी ब्रिंग अप, ठीक है। और माँ यशोदा ब्रिंग अप श्री कृष्ण, ठीक है। इस प्रकार से हम ब्रिंग अप का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हम कॉल ऐड का यूज करेंगे, तो कॉल ऐड को हम किस में बोलेंगे, मिलने जाने के लिए, ठीक है। मिलने जाने के लिए हम कॉल ऐड का यूज करेंगे, तो इसका हम एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमें राम से मिलने, हमें राम से मिलने, ठीक है, जाना है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, वी, ठीक है, हैव टू कॉल एट राम, ठीक है। तो ये अपना कॉल एट आ गया और ये राम आ गया,
तो वी के लिए वो है, हमें के लिए वी लगाया और इसमें हैव का यूज होगा, ठीक है, नहीं जाना है इसमें, तो हैव का यूज हुआ और टू लगेगा अपना। टू कॉल आप सोच रहे होंगे इसमें गो तो आया ही नहीं जाने के लिए, तो क्योंकि जाने का मीन ये अपना कॉल एट मिलने जाना है ना, तो कॉल एट है अपना मिलने जाने के लिए, तो हमें के लिए वी हैव टू कॉल एट राम, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ का एग्जांपल हम लेंगे किस प्रकार से को, तो कॉल ऑफ को हम कहते हैं इंग्लिश में रद्द होना, ठीक है, रद्द होना। जैसे कि मैं कहूँ आज का मैच रद्द हो गया, ठीक है, या फिर रद्द है, आज का मैच रद्द है, तो हम इसको इसी प्रकार से बनाएंगे एट, कॉल एट लगाकर, ठीक है। तो मैच, ठीक है, मैच आ गया और इज कॉल ऑफ टुडे, आज का है ना, तो टुडे कल का होता है, टुमारो यस्टरडे ऐसे, ठीक है, टुडे आज का मैच रद्द है, ठीक है, मैच इज कॉल ऑफ टुडे, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे गिव अप, तो गिव अप को हम क्या कहेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे, गिव अप को इंग्लिश में कहेंगे त्याग देना, तो इसका हम एग्जांपल्स बनाएंगे, जैसे हमने स्कूल छोड़ दिया या त्याग दिया एक ही बात है, ठीक है, छोड़ दिया है, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, वी हैव गॉन अप स्कूल, ठीक है, क्योंकि गिव अप आप सोच रहे होंगे कि मैंने गिव अप बोला था और इसमें गॉन अप लगाया है ना, तो इसमें छोड़ दिया है ना, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो गिव गॉन इस प्रकार से अपनी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है गॉन, ठीक है। तो हमने स्कूल छोड़ दिया, वी हैव गॉन अप स्कूल, मैंने ट्रेन छोड़ दी है ना, तो हम उसको भी बना सकते हैं आई हैव गॉन अप ट्रेन, ठीक है, तो हम इस प्रकार से अपना कोई भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो ऐसे अपने बहुत से एग्जांपल हैं जिसका हम यूज करते हैं, जैसे कि बियर डाउन, तो बियर डाउन को हम क्या बोलते हैं, कुचल डालना, ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे, सेंटेंस बना के, जैसे राम ने खिलौने कुचल दिए, तो हम इसको किस प्रकार से एग्जांपल बनाएंगे, राम हैड बियर डाउन टॉयस, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल्स बनाएंगे, जैसे रन आउट, तो रन आउट किस लिए बोलते हैं, रन आउट समाप्त हो जाना, रन आउट को हम समाप्त हो जाना के लिए यूज करेंगे, तो जैसे हम बोलते हैं ना मेरा काम समाप्त हो गया, मेरा वीडियो समाप्त हो गया है ना, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, माय वर्क रन आउट, ठीक है, या मेरा वीडियो समाप्त हो गया, माय वीडियो रन आउट। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं, तो इसी के साथ अगर आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद।